ब्रेकफास्ट पे मुझे यहाँ मिला पूरी सब्जी और एक बॉइल्ड एग एंड टी। ऑसम, कितने दिनों के बाद पूरी सब्जी खाने को मिला है आज। फीलिंग ग्रेट। तो चलो पूरी सब्जी खा लेते हैं, फिर इस ब्लॉग को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं, राइट? मोजाला रिवर रिट्रीट। ओके, सो बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है यहाँ पे। ओके, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माई लवली व्यूअर्स फ्रॉम ऋषिकोला। वेलकम बैक टू द चैनल थंडर राइड्स। आज है 16 दिसंबर 2020, डे 7 ऑफ माई एक्सट्रीम सिक्किम विंटर एक्सपीडिशन 2020। और आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ कोलकाता की तरफ। देखते हैं कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं, मे बी रायगंज और मालदा तक। लेकिन उससे पहले मैं ये जगह का एक बार पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ। सो अब 360 निकलेगा और इस जगह का पूरा एक व्यू आएगा। इट्स एन ऑसम प्लेस, ऑसम ब्यूटी। दोनों साइड से ऋषिकोला रिवर बह रहा है, मतलब इस साइड से आ रहा है फिर घूम के इस साइड से जा रहा है वापस। मैं इसी साइड से आया था और यहाँ से निकलने का एक गंदा सा ऑफ रोड पैच है। तो स्टे ट्यून्ड, पहले आप लोग इस एरिया का पूरा व्यू देख लो, फिर निकलते हैं। चलो okay, so this is the beautiful Ṛṣikōla River.
ना ना चलो ओके चलो ओके सो दैट वाज सम ट्रेक हिक हिडन वाटरफॉल्स देखने गए थे ट्रेक करके तो अभी मैं आप लोगों को इन लोगों का किचन दिखा दे रहा हूँ किचन एंड डाइनिंग रिवर डिस्ट्रिक्ट दिस इज द डाइनिंग रूम दिस इज द किचन चलो एबार बेड़ो बहा बार करो दिस इज द व्यू ऑफ द एंटायर एरिया ओके सो ऑल सेट नाउ लगेज लोडेड चलो अब निकलना है ओके चलो मेरी गल चलो दिस इज द ऋषिकोला रिवर यहाँ पे स्टे का ऑप्शन बहुत है इनफैक्ट अगर आप लोगों को कॉटेज नहीं मिलेगा तो आप लोग इन होटल को बोल सकते हो वो लोग ये रिवर बेड पे टेंट लगा देगा एंड यू कैन स्टे इन टेंट्स एज वेल सो ऑसम प्लेस मैं कल शाम को आया था और आज सुबह निकल जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे एक दिन तो एटलीस्ट रुकना चाहिए किसी को आके एक फुल डे एटलीस्ट एंजॉय करना चाहिए मतलब यू विल फील लाइक सो क्लोज टू नेचर बर्ड्स बहुत सुंदर बर्ड्स चिपिंग मिलेगा नाइट को एक जंगल टाइप फील मिलेगा एंड द
साइलेंस एंड द रिवर, सिर्फ नदी का आवाज, मौसम मौसम, बस यही बात है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ ऑफ रोड से ही पहुँचना पड़ेगा। सैंड, मैं कल रात को आते वक्त ये वाला एरिया रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, सो कोई नहीं, सुबह लौटते वक्त कर रहा हूँ। ये अभी भी सिक्किम साइड है, लेकिन नदी के उस पार वेस्ट बंगाल है। दिस इज एक्चुअली द बॉर्डर। ये रिवर आगे जाके रंगपोचू, मतलब रंगपो रिवर जो है उससे कनेक्ट हो रहा है, एंड फाइनली आई थिंक ये सभी रिवर्स जाके तीस्ता में कनेक्ट होके तीस्ता रिवर होके नीचे की तरफ निकल जाता है। वाह, यहाँ से मुझे राइट लेना है, इधर से मैं आया था कल, यहाँ मैं कल गिर गया था, मतलब मैं नहीं गिरा था, मेरा बाइक गिर गया था, मतलब इतना सैंड था, सैंड के अंदर धस गया और स्किड हो गया, तो मैं ऐसे निकल गया और बाइक स्किड होके मतलब सो गया था पूरा। सो इट वॉज एन हेवी जॉब इतना लगेज के साथ बाइक को वापस उठाना। दिस रोड इज टफर देन गुरुदुंगमा, लेकिन बस छोटा सा ही पैच है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे 19-20 किलोमीटर्स वापस सेम रास्ते पे जाना पड़ेगा रोंगली की तरफ, जिस रास्ते से मैं आया, फिर वहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा टुवर्ड्स रंगपो, बट आई डोंट नो व्हाई मैप पे 19 किलोमीटर्स दिखा रहा था रंगपो। क्या और कोई रूट है यहाँ से रंगपो जाने का? ठीक है, ये ऑफ रोड वाला पैच पहले ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आगे जाके देखते हैं। स्टीप टर्न एंड सैंड, ठीक ही है, थोड़ा सा कष्ट नहीं करेंगे तो नेचर के करीब कैसे पहुंचेंगे।
फर्स्ट गियर ले लिया क्योंकि बहुत स्टीफ है और ऊपर से ऑफ रोड भी है। पर्टिकुलरली दिस रोड इज़ नॉट इन द मैप्स एज वेल। मैप्स मुझे आगे तक ही लेके आया, उसके बाद एक वॉकिंग वाला रोड दिखा रहा था। भाई जंप कर जाएगा यहाँ से गूगल भैया। उसके बाद वहाँ पे लकीली एक आदमी मिला जिनसे मैं पूछ के आगे आया। मैं लास्ट मंगन में पेट्रोल फुल करा था, उसके बाद मंगन से गैंगटॉक आया, फिर गैंगटॉक से ईस्ट सिक्किम सिल्क रूट होके ऋषिकोला तक आया। अभी भी दिखा रहा है कि 50% फ्यूल है, लेकिन ये 50% के बाद बहुत जल्दी घट जाता है, तो देखते हैं अगर रंगपो में मौका मिला तो। रंगपो पे ही फुल करवा लेंगे। एंड बाय द वे, यहाँ आप लोगों को कोई एक्सटर्नल दुकान दिखने को नहीं मिलेगा, मतलब नॉर्मल रोड साइड शॉप, लेकिन होटल्स या रिसॉर्ट्स जो भी आप लेंगे वहाँ पे आपको सब अरेंजमेंट्स मिल जाएगा। एवरीथिंग ऑल यू वांट आपको रिसॉर्ट्स पे मिल जाएगा। यस, यहाँ तक गूगल रोड दिखा रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक बोर्ड है जिसपे लिखा है प्राइवेट रोड, व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू गो विदाउट प्रायर परमिशन, टूरिस्ट टैक्सी 150, वैन कार 100, टू व्हीलर्स 50 ओनली। दो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आई थिंक ये प्राइवेट रोड डिमार्केटेड है, इसलिए गूगल रास्ता नहीं दिखा रहा था और कोई, बट मुझसे कोई चार्जेस नहीं लिया गया, मतलब कोई लेने वाला भी तो है नहीं यहाँ पे चार्जेस। अब इधर से किधर जाना है? इधर ही जाना है भाई, गलत रास्ते पे आ गए हम। वो जहाँ से मैंने फर्स्ट यू टर्न लिया वहाँ से यू टर्न लेना नहीं चाहिए था।